हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक है सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस 2019। तो 2019 में जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जैसे G20 शिखर सम्मेलन 2019, ग्लोबल स्किल समिट 2019, 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ है। ये सारे आपका 40 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन जो कि 2019 में ही हुए हैं इस वीडियो के थ्रू हम लोग कवर करने वाले हैं। और यह टॉपिक जो है करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबमिट को एक क्वेश्चन आपको कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर से देखने को मिलते होंगे, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो या कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो। ठीक है, तो आप लोग अगर एक नंबर पक्का करना है तो सारे सबमिट को आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो आपके पास पहला सबमिट है, 106वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, जालंधर, बेंगलुरु, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो बताइए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो गाइज, इसका सही आंसर हो जाएगा जालंधर। ठीक है, 106वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का जो 2019 का जो आयोजन हुआ था वह जालंधर में हुआ था, और वह यह जो इसका 106वां संस्करण था। ठीक है, और यह जो है जालंधर जो है यह पंजाब में है। तो पंजाब का जालंधर में 106वां भारतीय विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन किया गया था, और यह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में किया गया था। क्योंकि कोई कभी कभी यूनिवर्सिटी भी पूछ लिया था कि किस यूनिवर्सिटी में यह इसका आयोजन किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। और यह 3 जनवरी से 7 जनवरी तक चला था, और इसका उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, और इस जो है इस बार का जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2019 था, इसका थीम था भविष्य का भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्या था थीम? भविष्य का भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो थीम को भी आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला है आपके पास, अक्टूबर 2019 में पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया। तो बताइए, दिल्ली, बेंगलुरु, गुजरात या छत्तीसगढ़। तो गाइज, अक्टूबर 2019 में अभी अंतर्राष्ट्रीय पहला जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय व्यापार मेला का आयोजन जो किया गया है दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय भारतीय मेला का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, SCO, संघाई सहयोग संगठन की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, बिश्केक, चीन, जकार्ता या ब्यूनस आयर्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइज, SCO की जो 19वीं बैठक था इस बार यह बिश्केक में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? बिश्केक में। और SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चीन के बीजिंग में है। कहाँ है गाइज? चीन के बीजिंग में आपका है SCO का हेडक्वार्टर। ठीक है, आप लोग को इतना याद रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में जुलाई 2019 में, ठीक है, हाल ही में जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सार्क सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, दिल्ली, गुजरात, पुणे या कोची। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइज, अभी हाल ही में जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सार्क सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वह कोची में किया गया है। ठीक है, और कोची कहाँ पर है? तो केरल में। तो केरल राज्य के कोची में अंतर्राष्ट्रीय सार्क सम्मेलन का आयोजन 2019 में जुलाई में किया गया है। ठीक है, और कोची को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, अब सार्क के बारे में कुछ जान लीजिए। सार्क जो होता है इसको SAARC के रूप में हम लोग जानते हैं, SAARC, सार्क। और इसका पूर्ण फॉर्म होता है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसकी स्थापना हुई थी आपका 1998 में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1998 ईस्वी में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में आपका सार्क का हेडक्वार्टर है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल में है। तो इतना आपको कम से कम याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में 9वां सार्क फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था, अमेरिका, भारत, फ्रांस या कोलंबो में। तो देखिए यहाँ पर फिल्म महोत्सव की बात कर रहा है। ठीक है, और वहाँ पर क्या था? पहला अंतर्राष्ट्रीय सार्क सम्मेलन का बात था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सार्क फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था कोलंबो में। ठीक है, यह श्रीलंका के कोलंबो में जो है 9वां सार्क फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 14वां G20 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था, पेरिस, लंदन, जापान या भारत में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइस, इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका जापान। ठीक है, जापान में आपका जो है G20 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था। और जापान का कहाँ पर? तो जापान का ओसाका में। ठीक है, जापान का ओसाका नामक जगह में G20 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था, जो कि इस बार इसका 14वां संस्करण था।
G20 का मतलब है कि G का मतलब होता है ग्रुप और 20 का मतलब होता है इसमें 20 सदस्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस ग्रुप में 20 सदस्य जुड़े हुए हैं, तो इस ग्रुप के बारे में थोड़े से आप लोग जान लीजिए। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1999 में हुई थी। ठीक है, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, और जो है इसका इस ग्रुप में जो है विकसित और विकासशील देशों का समूह है, या इसमें जो है मतलब विकसित और विकासशील देश शामिल है। ठीक है, भारत में इसकी जो है बैठक पहली बार 2018 में हुआ था, तो पिछले साल ही भारत में G20 शिखर सम्मेलन का बैठक हुआ था और वह 13वां था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, G7 शिखर सम्मेलन 2019 का 45वां संस्करण कहाँ हुआ, तो वो था G20, यहाँ पर है G7, कनाडा, न्यूयॉर्क, फ्रांस या फिर जापान, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइज इसका सही आंसर बताना है आपको क्या होगा। जैसे कि G20 का शिखर सम्मेलन का जो है जापान में हुआ था, लेकिन G7 शिखर सम्मेलन जो है यह हुआ था आपका फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में, फ्रांस का बियारित्ज नामक एक जगह है जहां पर आपका G20 शिखर सम्मेलन हुआ, G7 शिखर सम्मेलन 2019 का 45वां संस्करण हुआ था, और इसकी स्थापना आपका 1975 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में इसकी स्थापना हुआ था 1975 में। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, यह 7 देशों का एक सदस्य है और इसमें केवल विकसित देश का समूह है यह। ठीक है, इसमें केवल विकसित देश शामिल हुए हैं, लेकिन G20 में क्या था, विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल था, और G7 में आपका सिर्फ विकसित देश शामिल है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, हाल ही में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के बीच वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ, सिंगापुर, शिकागो, हनोई या फिर न्यूयॉर्क, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइज इसका सही आंसर होगा हनोई। ठीक है, हनोई में हाल ही में अभी अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के बीच जो है एक वार्ता हुआ था, उसका सम्मेलन जो मिलन हुआ था वह हनोई में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइज पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2019 का जो आयोजन है यह किया गया है आपका श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में किया गया है, और बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है यह भी आपको याद रखना है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इसमें आपका एक क्वेश्चन यह पूछा गया था कि बिम्स्टेक के बी बी से क्या मतलब है। ठीक है, तो बी क्या, बी से मतलब है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, आपको ये याद रखना है। बिम्स्टेक के बारे में और कुछ जानिए, इसकी स्थापना जो हुई थी 6 जून 1997 को हुई थी, आप लोग ये सब चीज़ नोट कीजिएगा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ढाका में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश का ढाका में है, और यह 7 देशों का क्या है आपका ग्रुप है। ठीक है, यह 7 देश जो है, यह है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इस तरह से ये 7 देशों का सदस्य है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास, 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रशिया या भारत में, तो बताइए कि 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो गाइज 11वां जो ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था 2019 में, वह किया गया था आपका ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में आपका 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था, और पिछले बार ही आपका जो है 2018 में 10वां ब्रिक्स सम्मेलन साउथ अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, और यह जो है एक क्रम से चलता है, जैसे कि BRICS ब्रिक्स जो है यह 5 देश को बताता है, बी से आपका ब्राजील को बताता है, आर से रूस को बताता है, आई से आपका बताता है इंडिया को, और सी से चाइना को, और एस से साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका जो है 2010 में इसमें इस ब्रिक्स में सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, तो यह 5 देशों का एक समूह है, और जो है क्रम से, जैसे इसका क्रम है यहाँ पर उसी तरह से इसका सम्मेलन होता है, जैसे कि पिछले बार हुआ था साउथ अफ्रीका, और अंतिम में था एस है, ब्रिक्स में एस है अंतिम में, यानी कि अंतिम में साउथ अफ्रीका जुड़ा हुआ है, तो इसलिए 2018 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, और इस बार जो है अब शुरुआत से होगा फिर ब्राजील में इसका आयोजन, उसके बाद फिर अगला 2020 में कब होगा, कहाँ पर होगा, तो रशिया में आयोजन होगा, फिर 2021 में कहाँ पर होगा, इंडिया में होगा, तो इसी तरह से क्रम से चलता है। ठीक है, तो ब्रिक्स जो है यह 5 देशों का सम्मेलन है, ग्रुप है, और इस बार जो इसका आयोजन हुआ था ब्राजील में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मीडिया स्वतंत्रता के लिए पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया, चीन, कनाडा, अर्जेंटीना या लंदन, तो गाइज मीडिया स्वतंत्रता के लिए पहली बार इस बार जो किया गया है एक वैश्विक शिखर सम्मेलन किया गया है 2019 में, और यह लंदन में किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, 19वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली, सिंगापुर, अबू धाबी या बीजिंग, तो बताइए 29वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में कहाँ आयोजित किया गया है। एक था
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 जो कि प्रथम बार आयोजित किया गया था दिल्ली में, यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 सर, यह 29वां बार किया जा रहा है, यह किया गया था आपका नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अगर हम आपका आपको हम लोग मेरे वीडियो को अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करना जरूर, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को तुरंत मिलता रहेगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ के PDF बेस को पा सकते हैं और फेसबुक ग्रुप में जुड़ करके डिस्कशन भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके पास, चौहत्तरवीं इस्लामिक शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इस बार जो है चौहत्तरवीं इस्लामिक शिखर सम्मेलन 2019 का जो आयोजन किया गया है वह किया गया है इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में इस्लामिक शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके पास, 29वां राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ संपन्न हुआ। तो इस बार 29वें राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ संपन्न हुआ आपको बताना है, लंदन, नई दिल्ली, टोक्यो या पेरिस। तो गाइस इसका सही आंसर होगा लंदन, ठीक है। 29वें राष्ट्रमंडल विदेशीय यानी कि विदेश मंत्रियों का बैठक जो हुआ है वह लंदन में हुआ है और राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर भी लंदन ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन कहाँ हुआ। तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र UN के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन कहाँ किया गया। तो टोक्यो, चिली, पोलैंड या USA। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका सही आंसर होगा चिली में, ठीक है। चिली में जो है इसका आयोजन किया गया था COP25 का, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 में, ठीक है। आपका है अगला, 23वां बुकयान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। तो 23वां बुकयान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया था यह दक्षिण कोरिया में किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एशियन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, थाईलैंड, मलेशिया, भारत या ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइज एशियन जो है इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का यह एक ग्रुप है और इसकी स्थापना 1967 में किया गया था, ठीक है। और यह 10 देशों का समूह है, ठीक। कितने देशों का? 10 देशों का समूह है जिसका हेडक्वार्टर जो है वह जकार्ता है। कहाँ पर है? जकार्ता, जिसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इस बार जो है एशियन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन जो किया गया था वह किया गया था आपका थाईलैंड में, ठीक है। तो थाईलैंड में एशियन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था 2019 में। अगला प्रश्न है आपके पास, चौथा संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ हुआ। तो बताइए चौथा संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ हुआ, जापान, पोलैंड, थाईलैंड, फ्रांस या नैरोबी में। तो गाइस चौथा संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा का जो आयोजन हुआ है इस बार नैरोबी में हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, काला घोड़ा महोत्सव 2019 का आयोजित कहाँ पर किया गया। तो काला घोड़ा महोत्सव 2019 जो है इस बार मुंबई में आयोजित किया गया था, ठीक है। कहाँ पर? मुंबई में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके पास, क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था, मुंबई, कोलकाता, उड़ीसा या केरल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइस क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा 2019 का जो आयोजन किया गया था वह मुंबई में किया गया था, ठीक है। तो दोनों को एक साथ याद रख लेना है आपको, जैसे कि आपका काला घोड़ा महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया मुंबई में और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा 2019 का भी आयोजन मुंबई में ही किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था, दावोस, ओटावा, नेपाल या बिश्केक में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है यानी कि वैश्विक विश्व आर्थिक मंच 2019 का जो आयोजन किया गया था वह दावोस में किया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला देखिए एक चीज़ यहाँ पर और भी जान लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है दावोस कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो हमारे वर्ल्ड जो है आपका जो विश्व है उसमें जो स्टेट जो है जितने भी स्टेट है उसको इम्प्रूविंग करने के लिए यानी कि बेहतर बनाने के लिए यह जो है इसकी स्थापना किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है। और इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित हुआ, ब्रुसेल्स, टोक्यो, लंदन या फिर जकार्ता। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2019 अभी नहीं हुआ है, नवंबर में शायद इसका आयोजन होने वाला है, तो कहाँ पर होगा ये आपको बताना है। तो गाइज नाटो शिखर सम्मेलन 2019 का जो आयोजन होगा यह होगा आपका लंदन में, ठीक है। कहाँ पर होगा? लंदन में होगा। और नाटो जो है एक सैन्य संगठन है, ठीक है। नाटो एक सैन्य संगठन है और इसका फुल फॉर्म होता है
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुआ है और इसका हेड क्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, ठीक है, और यह 30 देशों के, यानी कि 30 देशों के सदस्य है नाटो, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, और अभी वर्तमान में जो नाटो का आपका जो है महासचिव है वह है जेंस स्टॉल्टेनबर्ग, ठीक है, कौन है, जेंस स्टॉल्टेनबर्ग अभी वर्तमान में नाटो का महासचिव है, यह भी याद रखना है क्योंकि वर्तमान से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आपको वर्तमान में कौन क्या है का वीडियो देखना है तो आप लोग जो है हमारे वीडियो 2019 का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, 2019 करंट अफेयर का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, 23वें एशियन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, बैंकॉक, हांगकॉक या कोपनहेगन या पेरिस, तो बताइए 34वें एशियन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है, मुझे लगता है मैं, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो गाइस इसका सही आंसर होगा बैंकॉक, ठीक है, 34वें एशियन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था बैंकॉक में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन आपके पास, 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, तो 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है आपको बताना है, भुवनेश्वर, तेलंगाना, गांधीनगर या लखनऊ, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइज अभी हाल ही में 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन आपका भुवनेश्वर में किया गया है और यह उड़ीसा की राजधानी है, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आपका 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, ग्लोबल स्किल समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था, दिल्ली में, रांची में, गुजरात में या छत्तीसगढ़ में, तो ग्लोबल स्किल समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था आप लोग को बताना है। तो गाइज ग्लोबल स्किल समिट 2019 का जो आयोजन किया गया था इस बार, यह किया गया था रांची में, ठीक है, तो रांची में ग्लोबल स्किल समिट 2019 का आयोजन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके बारे में और कुछ अच्छा जान लीजिए आप लोग। 12 जनवरी 2019 को युवा दिवस के दिन आज ही आपका ग्लोबल स्किल समिट 2019 का आयोजन किया गया था, ठीक है, और इसका उद्देश्य है राज्य के 1 लाख युवाओं को रोजगार देना। तो ग्लोबल स्किल समिट 2019 जो है का जो आयोजन किया गया था यह युवा दिवस यानी कि 12 जनवरी को ही इस बार 2019 में आयोजन किया गया था और इसका उद्देश्य है ग्लोबल स्किल समिट का 1 लाख युवाओं को रोजगार देना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, प्रथम बार जापान अंतरिक्ष संवाद का आयोजन कहाँ किया गया, तो पहली बार आपका भारत जापान अंतरिक्ष संवाद का आयोजन कहाँ किया गया, तो बताइए आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, मुंबई या नई दिल्ली, इसमें जो है भारत और जापान देश मिल करके, ठीक है, अंतरिक्ष संवाद का आयोजन किया है और यह पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, तो कहाँ पर किया गया था यह बताना है, तो यह किया गया था भारत के आपका नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, एशिया LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली, कोलकाता, उड़ीसा या हैदराबाद में, तो अभी हाल ही में एशिया LPG शिखर सम्मेलन 2019 का जो आयोजन किया गया है यह नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि LPG शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का भी आयोजन 2019 में किया गया था, ठीक है, और वह भी प्रथम था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, तो बताइए 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, दिल्ली, बेंगलुरु, गुजरात या वाराणसी में, तो गाइज इसका सही आंसर होगा वाराणसी, ठीक है, वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, वहाँ पर आपका 15वां इस बार 15वां था 2019 में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है, ठीक है, और प्रवासी भारतीय दिवस का मकसद यही होता है कि भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान की पहचान दिलाने से, ठीक है, इसका संबंध किससे होता है, प्रवासी भारतीय दिवस का मकसद भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को पहचान दिलाने से है, ठीक है, और यह 31 से 23 जनवरी तक इस बार हुआ था, ठीक है। एक था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2019 में कहाँ किया गया था, तो वह किया गया था पंजाब के जालंधर में, अभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 13वें वैश्विक स्वास्थ्य सेवा शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, हैदराबाद, कानपुर, गुजरात या लखनऊ में, तो इस बार जो है स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2019 का जो आयोजन किया गया है वह आपका हैदराबाद में किया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली, मुंबई, गुजरात या छत्तीसगढ़, तो बताइए 5वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो गाइस यह इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और यह जो है 19 से 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था,
19 से 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन हुआ था। इस बार पुलिस एक्सपो 2019 का आयोजन नई दिल्ली में 19 से 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन हुआ था, ठीक है। और यह इसका पांचवा बार संस्करण है, यानी कि पांचवा बार यह आयोजन हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके पास UNCCD कॉप 5 यानी कि 14 का आयोजन नवंबर 2019 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या मणिपुर। देखिए UNCCD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, ठीक है। तो बताइए इस बार जो है UNCCD कॉप 14 का आयोजन आपका कहाँ पर आयोजित किया जाएगा और यह नवंबर 2019 में आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका जो है आप UNCCD का गठन हुआ था 1994 में और फ्रांस के पेरिस में हुआ था, यह भी याद रखना है। इसका उद्देश्य है आपका जैसे UNCCD का आपका उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता या फिर बढ़ते रेगिस्तान जैसे मुद्दों का हल निकालना, ठीक है। और आगे की ओर अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इफी यानी कि IFFI का गोल्डन जुबली समारोह कहाँ हुआ है। गोल्डन जुबली का मतलब होता है 50वां वर्षगांठ, ठीक है। तो इस बार इसका 50वां वर्षगांठ कहाँ पर हुआ है और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि इस बार गोवा में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ होगा। एक था आपका पुलिस एक्सपो 2019, ठीक है, और अब है आपका डिफेंस एक्सपो 2019 का आयोजन कहाँ होगा। तो यह होगा आपका लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, और यह जो होता है क्या होता है, डिफेंस एक्सपो इंडिया जो है लखनऊ में अगले साल लगेगा रक्षा उत्सव उत्पादों का सबसे बड़ा मेला, मतलब इसी बार लगने वाला है 2020 में, मतलब अगला बार 2020 में लगने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका व्यापारी जो है आपका क्या किया जाता है, किसका, आपका हथियारों का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन अगस्त 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, केरल, नई दिल्ली, उड़ीसा या तेलंगाना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइज महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन अगस्त 2019 में इस बार आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन किया जाएगा आपका केरल में, ठीक है, केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका थीम है आपका महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 का एक समावेशी उद्यमशीला पारिस्थितिकी का विकास, ठीक है। तो यह थीम भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चौथा अंतर्राष्ट्रीय मसाला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो गाइस अभी हाल ही में चौथा अंतर्राष्ट्रीय मसाला महोत्सव का आयोजन किया गया है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में अभी हाल ही में चौथा अंतर्राष्ट्रीय मसाला महोत्सव का आयोजन किया गया था। और जो है यह 28 से 31 जनवरी तक यह आयोजन किया गया था 2019 के मध्य चौथे अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन, ठीक है। और यह चौथा अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन है जिसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौशल साथी युवा सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो कौशल साथी युवा सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था इस बार भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर में आपका कौशल साथी युवा सम्मेलन 2019 का आयोजन इस बार किया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके साथ पास, हाल ही में ग्लोबल स्किल समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था, रांची, जयपुर, मुंबई या फिर पटना में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो गाइज ग्लोबल स्किल समिट 2019 का आयोजन इस बार अभी हाल ही में किया गया है रांची में, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब प्लीज़।